Assalamualaikum guys, question number 7 की तरफ चलते हैं. Question number 7 में इसने जो given matrices दी हुई हैं, generalized form में दी हैं. सबसे पहले तो मैं इनको expand करके लिखूंगा, ठीक है? और then फिर उसके बाद अपनी हमें जो चीज़ show करनी है, जो कि यहाँ पे मैंने एक rectangle में इसको enclosed किया हुआ है, ठीक है? तो इसकी तरफ आएंगे, ठीक है? तो सबसे पहले तो A और B matrices जो है ना वो मैं लिख देता हूँ, और इट्स बेटर कि मैं उसको साइड पे लिख देता हूँ, ठीक है? सो A मैट्रिक्स पे. अच्छा, यहाँ पे एलिमेंट क्या होंगे? ए मैट्रिक्स के ए एलिमेंट होंगे, ठीक है? लेकिन उसमें क्या आई क्या है? आई रिप्रेजेंट कर रहा है रो को, और जे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉलम को. और यहाँ पे जो 2x3 लिखा हुआ है, ये इसका ऑर्डर है, ठीक है? इस मैट्रिक्स तो उसके हिसाब से मीन्स 2 रोज होंगी और 3 कॉलम्स होंगे. 2 रोज और 3 कॉलम्स, ठीक है? ये आपकी कितनी हो गई है? 3 कॉलम्स हो जाएंगे और 2 रोज हैं, तो इट मीन्स इसे मुझे नीचे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, रो 2 तक ही मुझे स्टॉप करना है, ठीक हो गया. अब नेक्स्ट आगे चलते हैं बी मैट्रिक्स की तरफ, उसको भी इसी तरीके से मैं लिख देता हूँ, लेकिन उसके एलिमेंट्स क्या होंगे? अब बी से उसको रिप्रेजेंट करेंगे. उसमें भी ऑर्डर वही है सेम, 2 रोज 3 कॉलम्स. ठीक हो गया, ये दोनों मैंने मैट्रिक्स से लिख दी, इन्हीं को हमें यूज करना है, इन्हीं की हेल्प से आगे हमें जो शो दैट वाला ये जो पोर्शन है मींस जो चीज शो करनी है, तो इनकी हमें हेल्प लेनी होगी, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट अप अब चलते हैं जो चीज हमें शो करनी है अपने प्रूफ की तरफ. तो लेफ्ट साइड में कंसीडर करूंगा लेफ्ट हैंड साइड, जो कि हमारे पास लैम्डा ए प्लस बी है. स्मॉल ब्रैकेट का यूज किया हुआ है, तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज है उसको पहले सॉल्व करना है, मींस ए और बी मैट्रिक्स दोनों को ऐड करना है. सेपरेट करने की जरूरत नहीं है, कोई लंबी चौड़ी एक्सप्रेशन नहीं है, छोटी सी है, साथ ही लिख सकते हो, ठीक है? लैम्डा को मतलब साथ ही एज इट इज लेके चल सकते हो, सही है? तो और लैम्डा क्या, एक स्केलर एक कॉन्स्टेंट है, ठीक है? ब्रैकेट को थोड़ा बड़ा करूंगा क्योंकि अभी मैंने मैट्रिसेस लिखी है. तो पहले ए मैट्रिक्स A11, A12, A13, A21, A22, A23. क्या करना है? ऐड करना है बी मैट्रिक्स B11, B12, B13. स्मॉल ब्रैकेट यहाँ पे मैं लगा दूंगा, ठीक है? B21, B22, and B23, ठीक हो गया. अब इनको पहले ऐड कर दो, फिर लैम्डा को तो मल्टीप्लाई करता है, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? उस तरह एलिमेंट टू एलिमेंट, फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से, जैसे मैट्रिसेस की एडिशन वो करते हैं, ठीक है? तो क्या रहेगा? A11 plus B11, स्पेसिंग मिनिमम इतनी होनी चाहिए, ठीक है? A12 plus B12, A13 plus B13. ऐसे यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट अब लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि एडिशन वाला काम हमारा इस स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा. नेक्स्ट आगे A21 plus B21, A22 plus B22, A23 plus B23, ठीक हो गया. अब हम लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है? और राइट साइड आप देख रहे हो, यहीं से हमें राइट साइड तक जाना है, ठीक है? मीन्स राइट साइड को सेपरेटली सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसी को ही हमें राइट साइड के इक्वल लेके आना है. राइट साइड में देख रहे हो लैम्डा जो है वो किधर पड़ा हुआ है, दोनों मैट्रिसेस के साथ सेपरेटली पड़ा हुआ है. अभी जब ये अंदर जाएगा, ठीक है, तो ओवरऑल दही बात है, ये दोनों जो एडिशन की फॉर्म में पड़े हुए एलिमेंट्स उनके साथ ओवरऑल मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि अब ये ऐड होने के बाद एक एलिमेंट बन गया, ठीक है? दोनों सेपरेट नहीं है, एक एलिमेंट है. तो लैम्डा को अंदर लेके जा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा? लैम्डा और आगे ब्रैकेट लगाना A11 plus B11. इसमें स्टेप्स सारे आप कंप्लीट करना, ठीक है? स्टेप्स के ही मार्क्स हैं, क्वेश्चन तो आसान है, तो स्टेप्स अपने सारे पूरे कंप्लीट करने हैं. क्योंकि कुछ बच्चे इसमें डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि लैम्डा को इसके साथ भी एट अ टाइम मल्टीप्लाई करके, इस तरह ना करो. मैं ब्रैकेट फिर ब्रैकेट ओपन करोगे, मैं सेपरेट करोगे एंड देन स्क्वायर. अभी मैं स्टेप्स करूँगा, आपको समझ आ जाएगी. तो स्टेप्स आपने पूरे करने हैं, ठीक है? लैम्डा A13 lambda A21 plus B21, lambda A22 plus B22, lambda A23 plus B23. ठीक हो गया.
सारे कर दिए और उसके बाद अब हमें क्या करना है सेपरेटली इसके साथ भी और प्लम्बर को इसके साथ साफ इसी जगह नहीं है मैं ऊपर कर लेता हूँ उसके बाद लैम्डा ए वन टू प्लस लैम्डा बी वन टू then lambda a13 plus lambda b13 चलते जाओगे इसमें ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो यहाँ तक स्पेस भी मैनेज करनी है lambda a21 plus lambda b21 lambda a22 plus lambda b22 lambda a23 plus lambda b23 ठीक हो गया सेपरेटली मल्टीप्लाई कर दिया लैम्डा को एंड देन उसके बाद अब यहां पे आप देखोगे ये वाला एलिमेंट और ये वैसे तो कलेक्टिवली अभी एक ही एलिमेंट है क्योंकि ऐड हो रहा है ठीक है लेकिन अब मैंने इसको ब्रेक डाउन करना है ठीक है ब्रेक करना है टू मैट्रिसेस में ए मैट्रिक्स को टू मैट्रिक्स में ब्रेक करना है और बीच में यहां पे साइन क्या बढ़ाना है पॉज पे साइन बढ़ाना तो कैसे हम इसको करेंगे मतलब दो मैट्रिक्स भी जब हम एडिशन करते थे उसका भी ये रिवर्स प्रोसेस चल रहा है ठीक है दो मैट्रिक्स होती थे उनको ऐड करते थे अब ये एडिशन ऑलरेडी इसका पड़ा हुआ है हमें इसको ब्रेक करना है टू मैट्रिक्स तो और बीच में जो भी साइन यहाँ पे यूज हो रहा है जैसे प्लस यूज हो रहा है सारी जगह ठीक है आपने उसी को फिर यूज करना है अच्छा तो क्या रहेगा एक मैट्रिक्स जो फोर्स मैट्रिक्स हमारे पास ये आ जाएगी प्लस इसी तरह आगे लैम्डा बी वन वन लैम्डा बी वन टू लैम्डा बी वन थ्री लैम्डा बी टू वन लैम्डा बी टू टू लैम्डा बी टू थ्री ठीक हो गया सेपरेट हो गया बीच में एडिशन था सारों में ठीक है तो ये प्लस का साइन यहाँ पे आ गया अब यहाँ पे आगे हम क्या करेंगे अब लैम्डा एक स्केलर ये कांस्टेंट सारों के साथ आ रहा है कॉमन ले लो इसमें से भी और इसमें से तो हमारे पास आ जाएगा ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री इस तरह इसमें से भी लैम्डा कॉमन ले लो भाई आ जाएगा बी वन वन बी वन टू बी वन थ्री बी टू वन B22 and B23 ठीक हो गया लैम्डा कॉमन ले लिया दोनों मैट्रिसेस में से और अब ये आपके पास क्या मैट्रिक्स बनेगी साइड पे लिखा हुआ मैंने ठीक है तो ये आपके पास आ जाएगा बताऊंगा शुक्र है नीचे स्पेस अब मिल गई मुझे तो ये सारी क्या आपके पास ए मैट्रिक्स है जो कि स्टार्ट में मैंने लिख दी थी तो यहाँ पे ए आ जाएगा फिर प्लस फिर लैम्डा और ये आपके पास क्या बी मैट्रिक्स वो आपके सामने है उसकी जगह हम बी देख सकते हैं तो ये हमारे पास क्या आ गई है राइट हैंड साइड ये आप देख सकते हैं ठीक है लेफ्ट साइड हम लेके चले सॉल्व करते 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 हम लोग राइट हैंड साइड पे आ गए तो मैं लिखूंगा यहाँ पे इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और नीचे स्पेस तो नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत है चलो मैं मैनेज कर लेता हूँ तो अब नीचे लाजमी लिखना कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हमारे पास आ चुकी है सो इट्स प्रूव्ड सही हो गया स्टिल बस यहाँ पे देखो वही बात है मैं बात पिछले क्वेश्चन में रिपीट शायद की थी कही थी और मैं इसमें रिपीट भी की और अब दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ ये क्वेश्चन आसान है बहुत सिंपल से स्ट्रेट फॉरवर्ड से हैं बस इसमें इन क्वेश्चंस में ये होता है कि आपके हर स्टेप का सेपरेट मार्किंग है ठीक है ये नहीं पता एक नंबर है दो नंबर है जो भी है मतलब हर स्टेप के मार्क्स हैं तो कोई स्टेप मिस करोगे मार्क्स कट होंगे ठीक है डायरेक्ट काम इनमें नहीं करना आप लोगों ने आसान से सिंपल से हैं स्टेप सारे कंप्लीट करो मार्क्स अपने कंप्लीट आएंगे ठीक है मार्क्स कंप्लीट मतलब फुल मार्क्स आएंगे ठीक है सो आई होप क्लियर हो गया कि चीज स्टिल अगर कहीं कंफ्यूजन है स्टिल कहीं पे कुछ भी रह गया है कि कंफ्यूजन वाला एलिमेंट तो आप लोग पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में इंशाल्लाह तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपका बहुत सारा ख्याल रखो अल्लाह हाफिज़